वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और रेड वाले बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माला कुकिंग। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याजी कचौड़ी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें ये बेसन, प्याज और ये गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर, ये चाट मसाला और ये मैंने आमचूर मसाला लिया है और ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपको चाहिए तो डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और ये मैंने नमक लिया है। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची काट के रख लिया है और ये मैंने अदरक है इसको कुछ कुचा दिया है और ये मैंने इसमें धनिया डालने के लिए रखा है और ये मैंने ऑयल लिया है मसाला फ्राई करने के लिए और पानी लिया है आटा गूंथने के लिए और ये देखिए मैंने घी लिया है और ये मैंने मैदा लिया है। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा बनाएंगे, उसके लिए मैं मैदा इसमें डालूंगी और इसमें घी डालूंगी और घी को इस तरह हाथों से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें मैंने अच्छी तरह से घी मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे गूंथूंगी। इसमें मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के गूंथूंगी, इसे ना ही ज़्यादा टाइट रखना है ना ही इसे गील करना है। देखिए हमारा आटा हो चुका है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी कि हमारा आटा सेट हो जाए। और चलिए तब तक इसके मसाले बना लेते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देती हूँ। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ और अदरक भी डालूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी जब तक इससे कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। मसाले डालने के बाद मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी कि जल्दी से प्याज गल जाए। इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैं आटे को देखूंगी। ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारे आटे सेट हो चुका है। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं बॉल्स बनाऊंगी। सारे के पहले बॉल्स बना लेते हैं। देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए। अब मैं इसको थोड़े आटे लेंगे और इस तरह से लगा के तरह से देखिए इस तरह से करके और ऐसे करके इसमें मैं मसाले भरूंगी। और इस तरह से इसके मुख बंद कर दूंगी। इस तरह से करके इसके मुंह को इस तरह से दबा दें। देखिए इस तरह से मैं सारे इसको बनाऊंगी। देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं इसे छानूंगी। देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये डालूंगी। देखिए इसके नीचे से इसके कलर चेंज हो रहे हैं। अब इसे इस तरह से पलट दूंगी। और इस तरह से लाइन चलाऊंगी।
ये देखिए दोनों साइड से कलर एकदम गोल्डन हो चुके हैं, ये हो चुका है। मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए पूरी खस्ता जैसी बनी है और ये अंदर से अच्छी तरह से पक भी गई है।